आंधी बारिश से ईंट बनने वाले मजदूरों की मेहनत पर फिरा पानी। प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों द्वारा जिले में कई जगह ईंट निर्माण किया जाता है, लेकिन विगत दिवस आंधी के साथ गिरे पानी और ओलों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया, से उन्होंने लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं प्रजापति समाज के लोगों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ईंट निर्माण में लगे समाज के लोगों को मुआवजे दिए जाने की बात कही गई। कितने लोग ईद मनाते हैं यहाँ पर कुमार जाति? ईद मनाते हैं कम से कम 40 परिवार ईद मनाता है। मतलब 40 परिवार जो मेन है उसके अलावा और मजदूर भी तो मांग कब से करो तुम के मुआवजा मिली सब कल मिल गए सड़क से कार्यालय और सड़क जिला की मुलाकात करो और कुछ सैंपल के रूप नीचे ही दे जाओ तो सब नीचे में गली और आप मुआवजा भी मुआयना करा हो गए का हमें सम्मति से ही मिल सकते हैं। ज़्यादा बात है ना यार, अभी जब पैसा नहीं है अगर तुमने शुरुआत करवा दी मेरी यार। ठीक है। आत्मिक जो वर्षा हुई और जो बेमौसम हुई और ओलावृष्टि हुई, जिससे अपने कुमार समाज प्रजापति जिन्होंने की कच्ची ईंट पड़ी हुई थी जो कि काफ़ी हद तक चली गली गई हैं, जिनका मतलब कि हर व्यक्ति के पास 37 लोग कम से कम 37 परिवार ईंट बनाते हैं, 37 परिवारों की कम से कम 7 से 8 लाख ईंट गल चुकी है। और जब सबकी स्थिति यह है कि कोई का 40,000 रुपये का नुकसान है, कोई का 20,000 रुपये का नुकसान है, मतलब सभी 37 का नुकसान काफ़ी हुआ है उनकी पारिवारिक स्थितियाँ। मतलब 37 लोगों की ईंटें खराब हुई हैं, 37 परिवार की 7 से 8 लाख ईंटों का नुकसान हुआ। करीबन कितने का नुकसान हुआ होगा? करीबन 8 के 72,000 रुपये के 7 लाख रुपये का नुकसान हुआ।